हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो इस टाइप का क्वेश्चन है 2x + y का होल स्क्वायर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो ये होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ से इसमें ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, मतलब ये जो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो इसके लिए a + b का होल स्क्वायर फार्मूला होगा यूज, और a² + b² + 2ab। और जहाँ पे a बराबर क्या होगा, और यहाँ से हमको दिख रहा है कि a बराबर क्या है, तो यहाँ से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2x। और b बराबर हमको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, तो b बराबर हमको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा जो b हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y। अब आपको इसी पर रखना है, तो क्या दिया है, a², तो a क्या है, a 2x है, तो 2x हो जाएगा। अब इसमें आपको ना कोष्ठक लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो a 2x है, उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे हम, फिर प्लस b², b कितना है, तो b यहाँ पे y है, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 × ये क्या होगा, 2 × a × b, इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 2ab, a कितना है, 2x है, और b कितना है, y है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम 2x का होल स्क्वायर करें, तो अगर हम यहाँ पे करें 2x का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2x × 2x, दो दूनी क्या हो जाएगा, 4, और x एक बार, x दो बार, तो क्या हो जाएगा, x दो बार, कितना आ जाएगा, 4x². तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस, अभी y का स्क्वायर क्या होगा, ये तो y² ही होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो 2 × 4 और × x × y, तो क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा सॉल्व, इसके बाद ये आपका जो फाइनली है, ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे अब सॉल्व नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि 4x + 2y का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इस पर आपको a + b का होल स्क्वायर क्या लगाना है, फार्मूला। तो क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a² + 2ab + b², ऐसे भी हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे a बराबर क्या है, 4x है, b बराबर क्या है, y, तो a बराबर क्या है, 4x, और b बराबर क्या है, 2y। तो अब इसी पे हम सबको रखेंगे, तो a² है, तो a² क्या हो जाएगा, a² तो a बराबर 4 है, तो अब इसी पे रखेंगे, a बराबर क्या रखेंगे, 4x, तो a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद क्या है, b², तो b बराबर कितना है, तो b बराबर यहाँ पे 2y है, तो 2y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमको जो कोष्टक है ये लगाना अनिवार्य है, ठीक ना, इसको ज़रूर लगाएंगे, तो प्लस 2 × a × b है, तो a कितना है, 4x है, तो 4x यहाँ पर लिख देंगे, गुणे कितना है, b है, तो b बराबर कितना है, 2y है। अब यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे हम करें 4x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि 4x का गुणा दो बार हुआ है, तो 4 × 16 और x दो बार, तो क्या हो जाएगा, x² तो क्या हो जाएगा, 16x² हो जाएगा प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो 2y का होल स्क्वायर आएगा आपका, तो 2y का होल स्क्वायर 2y × 2y, तो 2 × 4y, 4y² आ जाएगा, तो 4y² आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से स्क्वायर करिए, तो क्या हो जाएगा, 2 × 8 और 8 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, क्या हो जाएगा, 16xy हो जाएगा यहाँ से। अब ये इसके आगे इतना सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही हो जाएगा सिर्फ। तो ये आपका आंसर हो गया, इसके आगे आपको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम वीडियो अगर आपको अगर समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।